तो हाय दोस्तों, और आज हम लेजेंड ऑफ सॉर्ड डोमेन एक्सप्लेन सीजन 3 करने वाले हैं, पार्ट 1। और इसके सीजन 1 सीजन 2 भी मैंने देखा है, लेकिन वो काफी टाइम पहले आया था और ये आज ही लॉन्च हुआ है। और ये लेजेंड ऑफ सॉर्ड डोमेन 3 है सीजन, ठीक है। और अगर आप ये एनिमेशन देखना चाहते हो तो हम इसे तभी ही आगे एक्सप्लेन करेंगे कि आप कमेंट में बता दो। और हमें पहले ही बता दो कि नाम में कुछ दिक्कतें हो सकती है, तो प्लीज़ उसको माफ़ करके मुझे बता सकते हो आप। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि हमारी कहानी का मेन करेक्टर है, और उसके पास अपने क्लोन भी रहता है। और अब उसको एक लड़का कहता है कि ये तो दोनों ही शॉट काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है, और कहता है कि तुम मेरे साथ में चलो। और वो एक फ्लावर क्रिएट कर उस पर अटैक करता है, और अब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सोल के साथ में वो अटैक करता है जो कि रेड एंड आइस वाला ड्रैगन रहता है, जिसकी वजह से वो फ्लावर वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो सभी लड़के थे वो काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। और अब इसके बाद में वो लड़का सोचने लगता है कि ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है और मैं इसको नहीं हरा सकता। और वो कहता है कि वो कहता है कि सोल पावर बढ़ाने के स्टोन में दूंगा मेरी सभी फैमिली, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी देर रुक जाता है। वो लड़का केवल हंसी देता है और उसके पीछे आ जाता है, और वो काफी बड़ा प्लेस मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद की जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपना पावर तेजी के साथ से रिलीज करता है, जिसकी मदद से वो काफी दूर दूर हट जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, और हमारा मेन कैरेक्टर का लेवल गॉड 2 था, यानी कि हाँ दोस्तों इस पे गॉड लेवल तक पहुंच चुके हैं, मुझे पता लगा। और वो जो बंदा रहता है उसको काफी इजीली हरा देता है, और अब उसकी सोल पावर बाकी के सभी लड़कों को हरा देती है और वो मर जाते हैं वहीं पर। और अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो बाकी के लोग रहते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, और वो कहने लगते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होते हुए आता है और कहता है, देखो मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें मारने का, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम जब तक मैं यहाँ से ना जाऊँ तब तक तुम यहाँ पे रहोगे, मेरे जाने के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर किसी भी बंदे ने मेरा रूल तोड़ने की कोशिश की तो मैं बिना दया करते हुए उसको फांसी लगा सकता हूँ। और अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है सिटी के ऊपर, जहाँ पर ये सिटी के यंग मास्टर काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे, और वहाँ पर एक लड़का भी बैठा हुआ था, इस लड़के का गू किंग हन है। और अब इसके बाद में हमें दूसरे लड़के का नाम पता चलता है, जिसका नाम वो ये यांग है, और ये जो परिवार है वो है गू परिवार। वो जो यू युआन है वो एक जगह पर आ जाता है और ढूंढने लगता है कि जो लोग उसने भेजे थे तो अभी तक वो वापिस क्यों नहीं लौटे, और वो काफी सारी अपनी शक्तियां रिलीज करता है तो उसको काफी सारे लोग दिखते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, कि तभी ही वो जो लड़का है वो उन लड़कों के बारे में पूछने लगता है जिसको कि हमारे मेन कैरेक्टर ने सभी को मार दिया था, और वो कहने लगता है कि मुझे बता सकते हो। तभी ही एक लड़का जो हमारे मेन कैरेक्टर को उसको बोलता है कि ये गॉड लेवल 5 पे है, जहाँ पर कि ये काफी ज्यादा अजीब बात रहती है। अब यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहने लगता है कि नहीं, वो तो वहाँ पर पीछे पड़े हुए हैं, जाके आप चेक कर सकते हो। तो हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उन सभी लोगों की कब्र बना ली होती है, और अब वो जो लड़का रहता है उसको देखने लगता है अपनी शक्तियों की मदद से, और उसको जब उसको पता चल जाता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पे कि एक लड़का बताने लगता है कि वो इसकी वजह से, क्योंकि लोगों के मन में काफी ज्यादा भरी हुई थी तो इसकी वजह से हमने उसको नतीजन मार दिया है, और वो अभी के टाइम पे उस कब्र के नीचे पड़े हुए हैं। और अब यहाँ पे वो जो लड़का है वो बड़बड़ाता नहीं, और वो भी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है वही लड़के के पास में किंग योन रहता है, और वो काफी ज्यादा टेंशन कर रहा होता है क्योंकि यूयोन भी जाने के बाद वापिस नहीं लौटा था। और अब इसके बाद वो अपनी हेवनली सोर्ड निकालने लगता है, और वो उससे जानकारी निकालने की कोशिश करता है, और उसको पता चल जाता है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो गॉडली 2 लेवल पहुंच चुका है, और उसको ये भी पता चल जाता है कि उन लोगों को वो मार दिया है, और साथ ही में गॉड लेवल 5 लेवल वाले को वो इजिली हरा सकते हैं। और अब इसके बाद में जो शॉट है वो एक लड़के के पास में आती है, और ये लड़का वही रहता है और कहने लगता है कि पूरे 30 साल बाद मुझे पता चल चुका है कि एक हेवनली गॉड जो कि एक इमोर्टल है वही उसको हरा सकता है। और अब इसके बाद में वहां पर एक आदमी सा आता है जो कि रेड कपड़े पहने हुआ था, और वो कहता है मास्टर मैं जरूर ट्राई करूंगा उस लड़के को हराने की, और उसकी पकड़ने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद में वो एक सिटी के अंदर जाने की बात करता है, वहां पर वो
पकड़ेगा, जिस पे कि किंग युआन उसको मना कर देता है और कहने लगता है कि नहीं, वो ऐसे नहीं हाथ में आने वाला है। वो भले ही गॉड लेवल टू पर है लेकिन वो अच्छे अच्छे को हरा सकता है। तो इसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि हम उस ब्लैक गॉड इमॉर्टल को पापी से जगाने वाले हैं और मैं ट्राई करूंगा कि वो हमारा बदला जरूर लेंगे। और जिसपे कि वो बताता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस उन पे नज़र रखनी है। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उन्हीं लोगों के पास में दिखाया जाता है जहाँ पर एक एलेक्जर अपेयर हुआ था जो कि 20 साल पुराना था और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है। और अब इसके बाद में जो लड़का रहता है, यू युआन रहता है, वो उसको लेने के लिए आ जाता है। और अब यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, और वो हमारा मेन करेक्टर ले लेता है। तो अगले वाले एपिसोड में इससे नाम के लेके ब्लॉग अभी तक नाम इसका मैंजर नहीं किया गया है। इसके हमारे मेन करेक्टर के जो भी फ्रेंड रहते हैं वो उसको कहने लगते हैं कि शुक्रिया, तुमने हमारी मदद काफ़ी ज़्यादा की है। जिसपे कि हमारा मेन करेक्टर कहने लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, और वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कि तभी जो युआन रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक स्पेल लगा देता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। और अब वो जो युआन है वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिरकार उसने कुछ तो किया उस बंदे के ऊपर। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर एक जगह पर आता है जहाँ पर कि हेवनली बिजली यानी कि वो नीचे गिर रही होती है, और वो बताता है कि यहाँ पर मेरा कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे से हो सकता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, तो मुझे इससे पहले कि मुझे यहाँ पर चेक करने के लिए कुछ भेज देना चाहिए। और इसकी वजह से वो अपनी पावर इकट्ठा करते हुए एक चीज़ को भेज देता है। अब इसके बाद में हमें वही गु परिवार को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर वो तीनों लोग आ चुके थे। और अब इसके बाद में वो तीनों आदमी वहाँ पर आ चुके थे यंग मास्टर को मिलने के लिए। और अभी यहाँ पर वो जो लोग हैं, वो जो आदमी है, वो उन दोनों को बताने लगता है अपने प्लान के बारे में, जहाँ पर कि वो बताता है कि हमें एक ब्लैक हेवनली गॉड को भी जो कि एक मोटल है उसको भी जगाना है, और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसकी मदद तुम मेरे साथ करोगे। जहाँ पर कि वो दोनों एग्रीड हो जाते हैं और मान जाते हैं, और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हालांकि मेरे ये एनिमेशन में नाम की काफ़ी कुछ दिक्कतें हुई थी, लेकिन इसका अगले एपिसोड भी चाहते हो तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। बस उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में आप लिख कर बता सकते हो। और ज़्यादा नहीं, अगर 10 बार यही चीज रिपीट हुई एपिसोड 2 तो मैं जरूर लेके आऊंगा। तो बस आपको कमेंट में जाकर सीजन 3 और एपिसोड 2 लिखना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको इसका अगला एपिसोड भी चाहिए। तब तक बाय बाय। aku sayang kamu juga sayang tapi sayang kita berjauhan tahan sabar menahan hingga nanti bertemu.